जय हिंद स्टूडेंट, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेड क्लास मेंबर है। आज की टेस्ट सीरीज है ऑक्सीकरण व एवं अवकरण में, है ना। याद रखिए, टेस्ट सीरीज का माध्यम यह होता है कि हम आपको क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, साथ में आंसर भी किए दे रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल बेस होंगे, जो हम आपको बाद में इसका अलग से करके दिखाएंगे, पर अभी हम टेस्ट सीरीज को चालू करते ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में उपयुक्त सभी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी होता है, है ना। पहला पॉइंट भी होता है, सेकंड बी भी होता है, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, और सी भी होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये पूरी चीज़ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज है तो मेन पॉइंट को ही समझाऊंगा, पूरा डील नहीं कर सकता, उसके लिए आपको हमारी थ्योरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, अवकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, अवकरण के लिए भी इसमें डी आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वहीं ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ये चीज़ आप याद रखिए, अगर आपने थ्योरी घर पे कर रखा है ये चीज़ आपको समझ ज़रूर आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। देखिए, ऊपर के दो क्वेश्चन को ही पलटा के दिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। वहीं पे जो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो कहलाती है अवकरण। क्या कहलाती है, अवकरण कहलाती है। दोनों चीज आपको थ्योरी में भी कंप्लीट होगा और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी कंप्लीट होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा नंबर पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है संयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखिए इसको कहते हैं, देखिए आप इसका थ्योरी जरूर कीजिए तभी आपसे बनेगा, इसको हम कहते हैं अवकरण, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में और कवर कराएंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखेंगे, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह का संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। याद रखिए, यहाँ पे जो पांचवा नंबर क्वेश्चन था वो विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग, धनात्मक ऋणात्मक प्लस और माइनस, इसलिए यहाँ पे अवकरण लिए थे आंसर में और यहाँ पे ऑक्सीकरण ले रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज है, आप इसको समझिए और अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला आप देखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के अनुपात को हम क्या कहते हैं, है ना, समूह के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वापस पढ़ रहा हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है, याद रखना। अगला पॉइंट देखेंगे कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो संयोजकता बढ़ जाती है। तो आपको, अगर आप अभी तक आप इसकी थ्योरी नहीं किए हैं तो जाके पहले ऑक्सीकरण और अवकरण को पढ़ लीजिए, ये सारे पॉइंट आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में, चलिए आप देखेंगे नाइन नंबर देखेंगे कि ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो याद रखिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो बी, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगला आप देखेंगे, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सी अवकरण क्या होता है, तो वो एक साथ होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने टेस्ट सीरीज हमसे परचेस तो किया है, पर अगर आप घर पे थ्योरी क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपको समस्या आ सकती है, तो आप हमारा थ्योरी क्लासेस भी परचेस कर सकते हैं और ये सारे टॉपिक हम वहाँ पे कवर करा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वो है H2O2। क्या है वो? H2O2 है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में, चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है ना, देखिए ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों की तरह उपयोग किया जाता है, कौन सा पदार्थ है, तो वो है आपका, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है सोडियम नाइट्रेट है ना, नाइट्राइट है ना, सोडियम नाइट्राइड। ऑक्सीकारक में भी उपयोग आता है, साथ में अवकारक में भी इसका उपयोग आता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होती है, जो सही आंसर है ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाइज रहता है, सीधा आपके एग्जाम में पूछ देता है, यहाँ पे आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। वहीं पे अगर Fe मतलब आयरन में +2 और आयरन में +3 में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ चुका है कि ऑक्सीकरण के बारे में जो पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। याद रखिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आना चालू हो जाएगी। अगला आप देखेंगे कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, ये चार ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो सही जवाब है इसका है ना, हाइपोक्लोरस अम्ल में। किसमें है? हाइपोक्लोरस अम्ल में है। याद रखिए जो केमिस्ट्री थोड़ा सा तकलीफ दे करता है, जो बच्चे पहली बार केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे उनको, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो कितनी होती है, याद रखिए OF2 में होती है। अब ये चीज़ें कई लोगों को समझ नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने डिटेल वीडियो नहीं पढ़ा है, तो दिक्कत जा सकता है, तो आप डिटेल वीडियो जरूर पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब ये क्वेश्चन है K2MnO4 में Mn का उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, इसकी न्यूमेरिकल होती है ना। देखो आंसर तो मैं दे देता हूँ, इसका आंसर आपका डी है, पर ये बनता कैसे है वो थ्योरी क्लास में कराई जाती है, तो आप लोगों को अगर बनेगा तो थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, इसकी PDF मैं दे दूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स है। ऑक्सीकरण निकालना की अवस्था का कुछ टेक्निक होता है जो हम आपको बताएंगे, तो आप इसका ऑक्सीकरण निकाल पाएंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था का समान होना, तो उसका सही आंसर है बी, क्या है, फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। याद देखिए ऊपर के क्वेश्चन को छोड़ दिया हूं मैं, आंसर लगा के दे दूंगा, वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप टेस्ट सीरीज में आपको आंसर तो मिल जाएगा, पर ये आप घर पे जरूर निकालिए अगर आपको आता है तो, वरना आप हमारी थ्योरी क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हम मेन जो टॉपिक वाइज है उसको अपन कंप्लीट करा के आपको इसका आंसर प्रोवाइड जरूर कराएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है, क्यों होता है, कारण बताओ, ऐसा किस लिए होता है, तो सही आंसर है इसका बी, Ag मतलब सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। एक क्वेश्चन और दिख रहा है बी, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो क्या होता है,
बिल्कुल, एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है। एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण के अंग को बढ़ाता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे करके हमने स्टेट सीरीज में से छोड़ दिया, मैं आंसर लगा के आपको PDF दे दूंगा, पर याद रखिए आप उसको बनाइए, अगर आपने उसका थ्योरी किया है तो ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही था, इम्पोर्टेंट GK था, न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा, इसका सारा आंसर लगा के दे दूंगा, कम से कम ये ज़रूर पढ़ के जाइए आपके SCF के एग्ज़ाम में। थैंक यू, धन्यवाद।